Hey भाई, गुड मॉर्निंग क्लास. दिस इज शिवम एंड टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8. बेटा मोशन जो आपको चैप्टर नंबर 7 करवाया था मैंने, वो चैप्टर नंबर 8 है आपका. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 मोशन के आज हम मोशन से डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैं लिखूंगा क्वेश्चन, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ लूंगा. ठीक है, आपने बुक में देख लेना कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं. ठीक है, चलिए. एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. कोई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है. कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? तब क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल. तो हो सकती है, तो आप अपना एग्जांपल जो है, आप आंसर का जो आंसर जो है वो एक एग्जांपल के रूप में लें. तो हम सबसे पहले लिखेंगे यस. देखो बेटा, यस लिखने पहले आप आंसर लिखकर भी लिखवाता हूं. यस एन ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु कैन है, किसी ऑब्जेक्ट की जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है. जीरो डिस्प्लेसमेंट कब? जब वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. ठीक है, इवन वैन मतलब यदि, जब वो, इवन वैन इट हैज मूव्ड, जब उसने कोई दूरी तय की हो, मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. ठीक है, मतलब कोई वस्तु का, किसी वस्तु की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्थानांतर जीरो भी हो सकता है. कब? यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, किसी ऑब्जेक्ट की जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, स्थानांतर हो सकता है जीरो. इवन व्हेन इट है, जब उसने कुछ दूरी भी ट्रेवल की तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. लेकिन कब? ये कब होगा? लिखेंगे दिस हैपन व्हेन, ये तभी हो सकता है. दिस हैपन, तो मैं आपको बताया था आपको पहले भी, दिस हैपन डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज नॉट एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और डिस्टेंस द लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. दिस हैपन व्हेन फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्साइड मिल जाएगा. ठीक है, कॉन्साइड विद इट्स इनिशियल पोजिशन. अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको. ठीक है, इनिशियल पोजिशन और मैं आपको जो डिस्प्लेसमेंट बताया था यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल पोजिशन को हम वी से डिनोट करते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? U प्लस वी बाय टू, ये होती है डिस्प्लेसमेंट. इसका फॉर्मूला होता है मतलब फाइनल पोजिशन प्लस इनिशियल पोजिशन बाय टू. ठीक है, वो क्या हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई. ठीक है, चल देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं करवाता हूं, ध्यान से देखना. ये पॉइंट ए और बी है. ठीक है, अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई लड़की है, मान लो. ठीक है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ही मान लो कोई लड़की ऑब्जेक्ट. ठीक है, ए से बी पॉइंट तक गई और बी से, तो ये क्या है उसके लिए बेटा? इनिशियल पॉइंट मतलब ये है उसके लिए यू, और ये है उसके लिए वी, फाइनल पॉइंट पोजीशन. ठीक है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन. ए से बी गई और बी से फिर कहां पे आ गई बेटा? ए में आ गई. तो मतलब जहां से चली थी वहां पे मिलके आ गई, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल जो पोजीशन थी उसकी वो क्या हो गई बेटा? कॉन्साइड हो गई. मतलब स्टार्ट उसने यहां पे किया और एंड भी यहीं पे किया, तो इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन वो यहीं पे कॉन्साइड हो रहा है. तो हम क्या बोलेंगे, इस लड़की की डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? जीरो. इसका स्थानांतरण हुआ ही नहीं, जहां पे खड़ी थी वहीं पर डिस्प्लेसमेंट था. बोलते जब ये यहां से करके वहां जाए, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट अलग हो और फाइनल पोजीशन अलग हो, तब हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट का क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हुई. लेकिन जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट में कॉन्साइड हो जाए, एक ही पॉइंट के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो. तो हम यहां क्या बोलेंगे, लड़की की डिस्प्लेसमेंट जीरो. चाहिए 10 चक्कर लगा के आई वहां पे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने तो बाहर कहा ये तो यहीं खड़ी था, इसमें 10 चक्कर लगाया, लेकिन हम क्या बोलेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं गई आगे. हम बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट की नहीं है जीरो. तो वही लिखवाया मैंने, यस एन ऑब्जेक्ट कैन है
है जीरो डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है जब वो कुछ डिस्टेंस में ट्रैवल कर रही हो, तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। ये ऐसे कब होगा? जब उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आके एक पॉइंट में मिल जाएंगे, तब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बेटा जीरो। ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। सबसे पहले एक स्क्वायर फील्ड है लाइक दिस। अब फार्मर जो उसकी बाउंड्री में तो कर रहा है बेटा, जो फार्मर है मूव चल रहा है बाउंड्री में, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है। मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड। अब स्क्वायर फील्ड की जो साइड है एक और टैन है, तो अगर ये साइड टैन है तो ये भी टैन होगी, ये भी 10 मीटर होगी, ये भी 10 मीटर होगी। क्लियर हो गया बात? इन 40 सेकंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। देखो आपको क्या पूछा हुआ है, एक फार्मर जो एक स्क्वायर फील्ड है उसमें मूव कर रहा है, और वो देखो स्क्वायर फील्ड का पूरा चक्कर वो 40 सेकंड्स में लगा रहा है, मतलब 40 सेकंड्स में से वो 10 मीटर जो है वो 10 मीटर ट्रैवल ही कर रहा है, वो स्क्वायर फील्ड का पूरा चक्कर लगा रहा है। जैसे मतलब दिस साइड यहां चल रहा है, वो यहां चलेगा, यहां चलेगा, यहां चलेगा, यहां पे आ रहा है फिर से, तो वो कितने एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है, 40 सेकंड में लगा रहा है। तो आपको निकालना है कि ठीक 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद जो उस फार्मर की डिस्प्लेसमेंट हुई उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कितने डिस्प्लेसमेंट हुई, कितने मीटर में उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, मतलब सीधी बात करें 2 मीटर 20 सेकंड के बाद फार्मर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा या उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई होगी, आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं यहां पर स्क्वायर की साइड, हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर बाउंड्री, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर। अब देखो सबसे पहले टोटल ये टाइम टेकन बाय फार्मर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ये 1 राउंड लिखो, एक राउंड फील्ड का, ठीक है, खेत का एक चक्कर पूरा करने के लिए जो है आपका जो फार्मर है वो कितने सेकंड्स ले रहा है बेटा, 40 सेकंड्स ले रहा है, कितने सेकंड्स ले रहा है 40। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल देख लेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द फार्मर, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है फार्मर एक चक्कर में, मतलब 40 सेकंड में जो एक चक्कर लगा रहा है पूरे फील्ड का, एक चक्कर ही होगा बेटा, यहां से यहां से यहां से यहां से ये वो एक चक्कर, तो एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, 10 मीटर प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 4 का 10 को मैं प्लस कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो मतलब वो 40 मीटर ट्रैवल कर रहा है 40 सेकंड में। तो यहां से हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, स्पीड कितनी है 40, तो स्पीड कितनी आएगी बेटा 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। क्लियर होगा? अब हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है, हमसे पूछी हुई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो टाइम दे रखा है आपके पास 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। अब वो सेकंड में चेंज करते हैं, पहले देखो 2 * 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 2 * 60 प्लस 20 सेकंड्स तो ऑलरेडी है, तो 120 प्लस 20 होगी बेटा 140। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका टोटल टाइम बताया कि 140 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर हो चुकी होगी वो पूछा हुआ आपसे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो पहले 140 सेकंड में वो चक्कर कितने लगाएगा, 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा, तो अगर मैं यहां पे पॉइंट मान लूं O, O से उसने स्टार्ट किया चलना, इसको पॉइंट मान लूं A, इसको पॉइंट मान लूं B, इसको पॉइंट मान लूं C, तो O से उसने स्टार्ट किया चलना, और फिर से देखो O से शुरू करेगा वो चलना और फिर से O में आएगा, तो एक चक्कर, तो एक चक्कर को लग रहा है 40 मिनट, एक चक्कर को लग रहा है 40 मिनट, देखो दो चक्कर कितने लगेगा बेटा 80 सेकंड, तीन चक्कर कितने लगेगा बेटा 80 में 40 प्लस 120 सेकंड, और मतलब तीन चक्कर तो पूरा लगा रहा है, उसके देखो टाइम कितना है टोटल 140 सेकंड है, तो 140 सेकंड में तीन राउंड तो पूरे लग रहे हैं, क्लियर के बाद। और जो फिर से जो आधा राउंड लग रहा है, और जो देखो 20 सेकंड बच गए, 120 40 में से 120 माइनस करो कितने बचते बेटा 20, ठीक है, या तो आप उसको ऐसे ले सकते हैं कि 40 सेकंड्स में या 40 सेकंड्स में कवर होगा, 40 सेकंड में 3 राउंड कवर कर रहा है, ये क्या बेटा राउंड है,
प्लस 20 सेकंड एक्स्ट्रा बच रहे, उसका क्या? अब 20 सेकंड 40 का हाफ हुआ, तो मतलब वो फोर्थ चक्कर जब लगाएगा तब वो सिर्फ मतलब 20 सेकंड के बाद वो फोर्थ चक्कर कहां पहुंचेगा? वो बी में पहुंचेगा 20% डिस्टेंस। तो ओ से लेके बी तक की आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। कहां से कहां तक? ओ से लेके बी तक की आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा? ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है आपको। मतलब ओ बी की लेंथ निकालनी है आपको, ये है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और मैंने आपको यहां से बता दिया इसको कैसे लिखते हैं ना, कि 14 × 3 तो 3 राउंड उसके कंप्लीट लगेंगे, तो 4th राउंड 20 सेकंड में 4th राउंड कंप्लीट नहीं लग सकता, क्योंकि 1 राउंड को 40 सेकंड में कवर करता, ऊपर लिखा हुआ मैंने, तो 20 सेकंड में कितना राउंड कवर होगा उसका? फ्रेंड आधा फील्ड, मतलब यहां तक कवर होगा उसका 10 + 10 यही कवर होगा। तो ये आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि जो 2 मिनट ठीक 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो डिस्प्लेसमेंट ये है उसकी सबसे शॉर्टेस्ट दूरी। तो हमने OB की डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बहुत सिंपल है। देखो डिस्प्लेसमेंट किसकी? ओबी की। ओबी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ओबी क्या बेटा? एक राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर लो, स्क्वायर राइट 90 का एंगल होता है राइट एंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका ओबी है, टीडी साइड ओबी, बेस है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर perpendicular tan का स्क्वायर। सो OB tan का स्क्वायर मतलब बेटा 100, इधर हो जाएगा 100, और OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 200, और OB इज इक्वल टू स्क्वायर उस तरफ गिवन बन जाएगा अंडर रूट। तो निकालो 200 के प्राइम वेक्टर नेचुरल से स्क्वायर अंडर रूट निकालो, तो ये आ जाएगा लाइक दिस, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 25, फिर आएगा 5 और फिर 1। और आपको मालूम है स्क्वायर रूट में कितने कितने के पेयर बनते हैं बेटा? 2-2 के पेयर बनते हैं। अच्छा ये ऐसे काम मैथ का होता है, ये साइंस में इतना नहीं करवाते हैं, बट चलिए आपको फर्स्ट मैथ का करवा रहा हूं मैं, तो फिर ढंग से देख लीजिए। अब देखो एक एक पेयर बनेगा 2 अंडर रूट के नीचे चले जाएगा, तो यहां से 2 बाहर आ गया, 1 to 5 यहां से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट चले जाएगा 2। तो 2 × 5 = 10 √2 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। ये आ गया आपकी ओबी की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है आंसर। This is question number 2 from chapter number 8. Now moving on to the next question, true false third question इसका. So I hope आपको ये question समझ आया हो. चलिए third question देखते हैं इसका. उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कौन साइड दे रहा है, मतलब पहले वो जा रहा है फिर वापस आ रहा है उसी पॉइंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई, उसका स्थानांतर कितना हुआ? जीरो हुआ। तो ये क्या कहो बेटा? फॉल्स, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। सेकंड बात करें तो बोल रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डायरेक्शन ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अभी निकाला हमने उधर 10 अंडर रूट 2 मीटर निकाला, ये निकल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ये डिस्टेंस से बड़ी होगी बोल रहा है। अच्छा वहां पे फिगर में वापस चलूं मैं, तो वहां पे यहां पे था OB और ये आया था आपका 10 अंडर 2 मीटर और ये था 10 मीटर और ये था 10 मीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? OA + AB होगा। तो OA + AB कितना होगा? 10 + 10 मतलब 20 मीटर। चेक कर लो OA और AB, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? 20 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर आएगा, 10 अंडर रूट 2 मीटर। अब अंडर रूट 2 वैल्यू निकालेंगे वो भी छोटी निकलेगी आपकी, ठीक है? सो वो तो 20 से छोटी आएगी, तो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको उधर भी करवाया था, डिस्टेंस याद रखना आपने, इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो ये भी हो जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट डिफरेंस है आपका,
वेलोसिटी स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपका आपका डिफरेंस है, ठीक है। सो राइट डाउन स्पीड, और मैंने आपको बताया था एक जैसी होती है, बस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक के पास डायरेक्शन है और एक के पास डायरेक्शन नहीं है। तो बहुत सिंपल रखेंगे क्वेश्चन को ज्यादा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सो स्पीड का क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, विद टाइम, समय के साथ दूरी में चेंज आना स्पीड कहलाता है, ठीक है। समय के साथ दूरी में चेंज आना तो वो हम समय कहलाते हैं, विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद, जैसे देखो स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। चेंज ऑफ स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट में फॉर्मूला जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी लगाया था हमने क्वेश्चन में, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब इनिशियल प्लस फाइनल पोजीशन बाय टू, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, सॉरी। थर्ड लिख लेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, इसके बाद डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो इट आपको क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।